हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ रक्षाबंधन का। छोटा मैंने एक मिनी ब्लॉग बनाया है, जो जितना मैंने कवर हो सका उतना कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर। तो मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ, तो बच्चे रेडी हो चुके थे, फिर उसके बाद मैं रेडी होने के लिए गई नहा के। मैं मॉर्निंग में बैठी हूँ, नहा के वापस आई। नहा के आने के बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत टचअप किया। टचअप क्या मतलब, वही बिंदी बिंदी लगाई और क्या, थोड़ा बहुत रेडी हुई, सामान निकाला। और डेली का ऐसा होता है कि रक्षाबंधन अभी 2 दिन का पड़ा, 30 और 31 का, तो आज 31 है, तो आज ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो इवनिंग में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, मैंने सोचा एडिट कर देती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। और जितना भी शूट करने की कोशिश की उतना मैंने कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आप भी बताइएगा आपका कैसा रहा रक्षाबंधन का दिन। और यह है आज का ही वीडियो है और आज ही अपलोड कर रही हूँ मैं बस। तो कैसा रहा मेरा रक्षाबंधन का डे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाहर अच्छे खासे लोग कॉर्नर का ब्लड होता है तो बस हॉर्न बजा के निकल देंगे। तो बस यहाँ पे मैं बस रेडी हो रही थी, बच्चे थे वो मॉर्निंग में उठ के रेडी हो गए थे, दीदी वगैरह सब लोग रेडी हो चुके थे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लैक्मे का काजल लगाया है और बिंदी। और आज बना था घर में खाने में दाल बाटी चूरमा और सेवैयाँ। सेवैयाँ सबके यहाँ पे बनती हैं राखी के वाले दिन। हमारे यहाँ तो मतलब राखी, हर बार राखी पे सेवैयाँ तो बनती ही बनती है। उसके अलावा मिठाई में थी चॉकलेट और पैठा आगरे का और घेवर और ये सब था। और बस इसी तरीके से सब लोग रेडी हो गए जल्दी जल्दी और यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही हूँ और अच्छी खासी हेल्थ हो गई है मेरी। और यहाँ पे मैं बिंदी ढूंढ रही हूँ, छोटी छोटी बिंदियाँ, पर बिंदी मिलती नहीं है। मिल भी जाए तो उसके बाद नहीं, यहाँ पे बस यहाँ पे मैं बिंदी बिंदी लगाऊँगी और बस रेडी हो जाऊँगी। अभी ऐसा हो गया है कि बस उसके बाद में यहाँ पे रेडी हो जाऊँगी मैं, उसके बाद में राखी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार आप लोगों ने 30 को राखी बांधी थी कि 31 को, मुझे बताना। यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके हैं, राखी क्या क्या करनी है तो उसकी तैयारी कर रही हैं। बच्चों को बिठा दिया है, पहले बच्चे राखी बांधेंगे, उसके बाद बड़ों का नंबर आएगा। यहाँ पर बच्चे राखी छोटे छोटे से बस बच्चे रेडी हो रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में बस यहाँ पे राखी बांध देंगे। फिर उसके बाद में सबको पता है रक्षाबंधन का त्यौहार के इस बार तो 2 दिन तक रहा है। कल का तो दिन ऐसा था कि मुहूर्त ही बहुत कम रात को निकला था और आज तो मॉर्निंग से ही मुहूर्त था। तो बस मॉर्निंग में ही रेडी होकर जल्दी जल्दी तैयार हो गए थे हम लोग, लग गए थे। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर तैयार होकर बैठी हूँ कि मेरा नंबर आएगा। उसके बाद में बस बच्चे मुझे राखी बांधेंगे और इसी तरीके से देखो एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और इस दिन ऐसा लगता है सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सब लोग एक साथ होते हैं, फिर सब लोग मिलके खाना वाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और दिन अच्छा चला जाता है। भाई इस बार नहीं आ पाया था, उसको छुट्टी नहीं मिली थी और 31 को बनानी थी, 30 की छुट्टी थी तो कोई मतलब नहीं था आने का, तो उसको राखी पार्सल कर दी थी, वीडियो कॉल किया था उसके साथ में। और बस आज का दिन ऐसा ही रहा और बस पूरा दिन निकल गया। पूरा दिन क्या मतलब, ऐसी बातें करते करते, बच्चों के साथ खेलते, इन्जॉय करते करते। और अभी रात बाकी है, खैर बस नानी का भी नंबर आ गया था यहाँ पे, नानी भी कोई भी लगा रहे थे बच्चे तिलक विलक करके। बस उसके बाद में फिर दीदी विदी का नंबर आ गया, फिर दीदी विदी को भी बच्चों ने राखी बांधी लगाई। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरा नंबर आ गया, मासी का भी नंबर आ गया, तो मासी बैठी हुई है यहाँ पे कि लगाओ बच्चों, बच्चा तैयार करो जल्दी जल्दी, मुझे भी लगा दो राखी के लगा दो। उसके बाद में सब ने मिलके यहाँ पे सबको राखी बांधी। और उसके बाद में सब ने जो राजस्थानी डिश है दाल बाटी, उसको हम लोगों ने इन्जॉय किया था। और
और आज के दिन ढोल नगाड़े वाले बहुत आते हैं आपके घर में, सुबह सुबह आना स्टार्ट रहते हैं। कल 30 को भी आए थे, 31 को भी आए थे, तो ऐसा होता है कि उस दिन बहुत सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो छोटा मैंने छोटा सा ही ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, असल में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बाहर ढोलक वाले आए थे तो उनको मिठाई विठाई दी थी। वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।